कई दिनों से जारी गर्मी की मार के बीच में आज आगरा में मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में जहां पर हल्के बादल छाए हैं, वहीं बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता विनीत दुबे। ताजनगरी आगरा में पड़ रही गर्मी से आज थोड़ी सी राहत है। जी हां, आगरा में तापमान लगातार 46-47 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ था, लेकिन अगर पिछले दो दिन की बात की जाए तो मौसम थोड़ा सा नम हुआ है, यानी कि हल्की सी कह सकते हैं कि हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा बादल छाए हुए हैं और तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, और यही वजह है कि लोगों को इस बात का अनुमान है, लोग इस बात को कहते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश होगी तो शायद मौसम में तब्दीली नजर आएगी। इस समय आप देख लीजिए कि बादल छाए हुए हैं, देर सुबह जब धूप जरूर निकली थी, लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत देर में जरूर यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश दिखाई देगी, और ऐसा कई प्रदेश के कई जनपदों में भी दिखाई दे रहा है कि तेज बारिश और आंधी का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में बादल जरूर छाए हैं लेकिन पानी भी तक नहीं पड़ा। उम्मीद लोगों को यही है कि शायद पानी पड़ जाए तो थोड़ी सी तरावट मिलेगी। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रोहित आर्य। रोहित, ये बताइए गर्मी कैसी पड़ रही है आगरा में? आगरा में गर्मी तो 15-20 दिन तो बहुत हाई है, 46-47 टेम्परेचर बोल रहा था, अब आज काफी राहत दिख रही है, लगता है आज बारिश हो सकती है। बारिश होगी तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। पहले कैसे बचा रहे थे गर्मी? पहले तो सिकंजी वगैरह पी गए, घर से निकल नहीं थे हम काफी। हाँ, मेरा नाम रचित सिंह और मैं BSc सेकंड ईयर से हूँ। आज का एग्जाम था इस वजह से आए हैं, वरना यहाँ आने का मन ही नहीं करता है गर्मी की वजह से, और बाकी कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। आज थोड़ा राहत है इस वजह से यहाँ रुके हुए हैं, वरना तो। और देख भी सकते हैं आपकी लगातार हम छात्रों से बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आगरा कॉलेज के सामने यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर तापमान में जरूर इस समय नमी देखने को मिलेगी, और उम्मीद यही है कि अगर हल्की बारिश होती है तो इस बारिश से जरूर आगरा वासियों को फायदा पहुंचेगा और इस गर्मी से थोड़ी बहुत निजात मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। यूपी में गर्मी का